ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख कर आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार जो मतलब वीडियो में आप सभी को दिख रहा होगा थंबनेल में गाइस की मतलब कि जो मॉडल है हमारा उसके नीचे जो डार्कनेस है वो रियलिस्टिक सी है। तो गाइस आप सभी को एकदम रियलिस्टिक सा लुक देने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, आप सभी को बस वीडियो से ध्यान से देख लेना वीडियो को, बाकी मैं आप सभी को वीडियो में समझा दूँगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को फिर करना है जाना एड फोटो में, एंड ऐसे गाइस आप सभी को अपने मॉडल का ऐड कर लेना है। जो मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज करा है, एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैंने वीडियो की तीन लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उन तीनों में से कोई सी वीडियो चेकआउट कर लेना आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे करना क्या है, आप सभी को जो मॉडल है कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ से थोड़ा सा मॉडल का जो एरिया है मेरे को रिलीज करना पड़ेगा। अगर गाइस आप भी कोई ऐसा पोज देते हो तो अपने आगे से कुछ एरिया से रिलीज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो इतना कर लेने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एरिया रह गया, तो गाइस इसको मैं पहले पूरा फिल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरिया रह गया था तो इसको मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, एंड यहाँ पे हम चलते हैं ऐसे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, एंड ऐसे कर देते हैं डन। ओके गाइस, तो यहाँ पर परफेक्टली हो चुका है। तो अब क्या करना आप सभी को गाइस, आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में, आप सभी को गाइस एक पीएनजी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको इस पीएनजी को सिंपली कुछ स्टेप से ऐड कर लेना है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इससे जो है मतलब कि ज़्यादा डार्कनेस मिलेगी नहीं, तो बट आप सभी को ज़्यादा डार्क करने के लिए इसका करना पड़ेगा। पहले तो मैं इसके साइज को फुल कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड गाइस उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है इसका, ठीक है। एंड कम से कम तीन बार कर लेना है, एंड तीन बार में कुछ इस टाइप से आपका डार्क हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बट अभी ये परफेक्ट प्रोफेशनल तरीके से नहीं हुआ है, अभी कैसे करना हुआ मैं आप सभी को बताता हूँ। इतना होने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ से चले जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे फिर क्या करना है, एक्सपोजर को जो है ब्राइटनेस को जो पूरा माइनस कर देना 100 तक, ठीक है। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना, ब्रश को लेना है, एंड इसकी साइज को आपको अपने हिसाब से रख लेना, एंड जो ओपेसिटी एंड हार्डनेस को कम कर लेना, एंड साइज को जो हिसाब से रख सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद आप सभी को गाइस जो आपके आपके बॉडी का जो नीचे वाला एरिया होगा ना, जैसे कि गाइस ये हो गया मेरा हैंड यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ऐसे इसी जगह पे आपको डार्क करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे डार्क कर लेना आप सभी को, एंड जैसे कि गाइस देखिए बीच में एक एरिया हो गया, एक साइड का ये एरिया हो गया, ठीक है। आपको जैसे कि इसको डार्क कर देना है यहाँ पे हल्का हल्का, मतलब कि गाइस साइज़ को ना बड़ा करके रखना, तो ये मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। आप सभी को ऐसे कर लेना है, एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है, एंड जो जैसे कि गाइस हाथ के बीच का ये एरिया हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप सभी कुछ ऐसा ऐसा पेंट करना है, मतलब कि देखिए गाइस ऐसा लग रहा है ना, मतलब कि हमारे जो पीछे जो मतलब ब्लैक बैकग्राउंड है उसमें से कुछ ब्लैक ब्लैक से हमारे ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो गाइस उसके जिस टाइप से आप सभी कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस अभी ये हमारा पूरा तरीके से हुआ नहीं है, अभी क्या करेंगे हम दोबारा से जाएंगे यहाँ पे टूल्स में, एंड फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने को दिखाए हम इसका जो ब्राइटनेस को यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको जिस टाइप से, एंड देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो है वाला लुक आ चुका है, बट गाइस अभी इसमें हम कलर क्वेश्चन करेंगे तो पूरा प्रोफेशनल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे, एंड इसको ओपन कर लेंगे लाइट रूम ऐप में, एंड उसके बाद यहाँ से हम लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट है हम इसको बढ़ा देंगे, जो हाईलाइट इसको बढ़ा देंगे, शेडो को कम कर देंगे, एंड जो गाइस व्हाइट है और सॉरी ब्लैक है इसको कम कर देंगे, एंड जो व्हाइट है गाइस इसको भी हमें कम करना है यहाँ पे, ठीक है। व्हाइट को भी कम कर देना है, एंड गाइस देखिए आपको मतलब कि जो ब्लैक डार्कनेस है वो आ चुका है। तो अब चलते हैं कलर्स वाले ऑप्शन में, यहाँ से वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, एंड जाएंगे कलर्स मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे, एंड जो ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद जाएंगे गाइस यहाँ से हम येलो कलर में, एंड इसका जो सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देंगे, जाएंगे ब्लू कलर में, इसका सैचुरेशन माइनस करेंगे थोड़ा, एंड जो सेकंड ब्लू है इसमें इसका भी सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा हेलीपैड है वो भी यार ब्लू कलर का हो गया है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे यहाँ से हम नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सबको यहाँ पे बढ़ा देना है, एंड उसके बाद फोटो में जो विग्नेट डाल देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको ग्रेन अमाउंट को भी बढ़ा देना है, एंड उसके बाद गाइस जाना आप सबको नीचे वाले टूल में, एंड उसके बाद यहाँ पे जो गाइस फोटो की जो ब्राइट शार्पनेस इसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस फोटो जो नोड डायरेक्शन आप सबको इसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस कलर नोड डायरेक्शन आप सबको भी इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और यार चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि यार आप सभी को ऐसे कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।